आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, आज हमारा प्रश्न है, यदि समीकरण ए एक्स का वर्ग धन दो एक्स धन ए बराबर जीरो के दो बराबर मूल हों तो क्या होगा। तो हमें चार विकल्प ए बी सी डी ए के मानों के दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले अपनी समीकरण लिख लेते हैं। हमारी समीकरण है ए एक्स का वर्ग धन दो एक्स धन ए बराबर जीरो है, और प्रश्न में बोला गया है इसके दो बराबर मूल हैं। तो ये चूंकि द्विघात समीकरण है तो इसके दो ही मूल होंगे, मतलब कि दोनों मूल क्या हैं, बराबर हैं। तो हमें a का मान ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं किसी भी द्विघात समीकरण के मूल कब बराबर होते हैं, मतलब कि मूलों की क्या प्रकृति होती है। तो चूंकि हम जानते हैं कि यदि हमारे द्विघात समीकरण ए एक्स का वर्ग, चूंकि प्रश्न में a हमें दिया गया पहले से, तो हम a की जगह a डैश का उपयोग करेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं a डैश एक्स का वर्ग धन b डैश एक्स धन c डैश बराबर अगर जीरो हो, तो इस द्विघात समीकरण का मूल कब जो प्रकृति होता है उसे जानने के लिए हम विविक्त कर निकालते हैं। तो हम क्या निकालते हैं, विविक्त कर। विविक्त कर हमारा क्या होता है, d होता है। तो d हमारा b स्क्वायर ऋण चार ए सी होता है, ये हमारा क्या होता है, विविक्त कर होता है। विविक्त कर के मान के आधार पर, मतलब कि d के मान के आधार पर मूल की प्रकृति जो होती है तीन प्रकार की हो सकती है। पहला, d अगर ऋणात्मक हो, दूसरा d अगर जीरो के बराबर हो, तथा तीसरा d अगर धनात्मक हो, मतलब d ग्रेटर देन जीरो हो। अगर d हमारा ऋणात्मक है तो मूल जो होते हैं हमारे काल्पनिक होते हैं। मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। d अगर जीरो के बराबर है तो मूल हमारे क्या होंगे, वास्तविक होंगे। मूल हमारे क्या होंगे, वास्तविक एवं समान या बराबर होंगे। और अगर हमारा d धनात्मक है, मतलब d ग्रेटर देन जीरो है, तो मूल हमारे वास्तविक एवं भिन्न, मतलब बराबर नहीं। तो d के मान के आधार पर तीन स्थितियां बनती हैं। तो हम जो समीकरण दी गई है, सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। हमारी समीकरण है ए एक्स का वर्ग धन दो एक्स धन ए बराबर जीरो। अगर हम दी गई समीकरण को हम अपने मानक समीकरण से तुलना करें, तो यहाँ से जो है a डैश का मान जो निकल के आएगा a आएगा, b डैश का जो मान निकल के आएगा दो आएगा, तथा c डैश का जो मान निकल के आएगा वो a होगा। तो यहाँ से हम विविक्त कर अगर निकालें तो हमारा विविक्त कर क्या होता है, b का वर्ग ऋण चार ए सी। तो हमारा जो विविक्त कर होगा d बराबर b हमारा क्या है, दो है। चूंकि हम b डैश a डैश और c डैश यूज कर रहे थे, अतः हम यहां पर भी देखेंगे तो यहां भी हमें b डैश a डैश c डैश का यूज करना होगा। तो हम देखते हैं हमारा जो b का मान आएगा, दो का वर्ग ऋण d बराबर दो का वर्ग ऋण चार गुणे a डैश का मान हमारा a है, और c डैश का मान हमारा क्या है, वो भी a है। यहां से हमारा d का जो मान आ जाएगा चार ऋण चार a का वर्ग। और चूंकि प्रश्न में बोला गया है कि मूल क्या है, दो बराबर मूल हैं, तो हमें a का मान बताना है। तो मूल कब बराबर होते हैं, मूल कब बराबर होते हैं, जब d जीरो के बराबर हो। तो चलिए हम d को जीरो के बराबर कर देते हैं। तो अपने d को हम अगर जीरो के बराबर कर दें तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, इसको हम अगर सरल कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा a का चार a का वर्ग बराबर चार। तो यहाँ से हम देखते हैं चार से चार कट गया, यहाँ पर एक बचा, तो a का वर्ग जो है एक के बराबर आ गया। इसका मतलब a का मान क्या आ जाएगा, धन ऋण एक। तो
दी गई समीकरण के अगर मूल बराबर हैं तो a का मान जो है धन ऋण एक होगा। तो हम देखते हैं हमारा कौन से विकल्प सही विकल्प है। तो हमें चार विकल्प दिए गए थे, उसमें से हमारा विकल्प ए, ए बराबर धन ऋण एक हमारा सही विकल्प हो जाएगा। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।